अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ पीसीबी के लिए। अभी अभी कुछ दिनों पहले पीसीबी ने थोड़ी सी जर्सीज निकाली हैं, 3 से 4 अपने फैंस के लिए, ठीक है। लेकिन प्राइस जो रखी ना, वो बहुत ऊपर रखी है। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर साइड पर शो हो रही होगी ट्रैवल पोलो 22। ये एक पोलो सिंपल टी शर्ट है, सही है, या जर्सी बोले इसको। इसकी प्राइस है 3000 रुपीज। यार आज की वीडियो ना मैं सिर्फ अपने लिए और अपने जैसे और भी लोग हैं उनके लिए बना रहा हूँ, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से तबके से ताल्लुक रखते हैं। और कहने का मकसद ये है कि भाई थोड़े से प्राइस हैं, थोड़ी नॉर्मल रखो। 3000 रुपए की आप पोलो दे रहे हो, ये कौन से बाबर आजम पहना हुआ है या फिर इस पे कौन से सारे प्लेयर्स के साइन है, तो आपको इसकी प्राइस रेंज नॉर्मल रखनी चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल जैकेट 22 है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे बाय करनी थी, लेकिन इसके पैसे हैं 8000 रुपए। मतलब मैं अच्छी क्वालिटी का अगर हुडीज भी पहनता हूँ ना सर्दियों में, तो वो मिनिमम जाके 3 या 3500 रुपए की मुझे मिलती है, और ये 8000 रुपए की, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इसकी प्राइसिंग रखी गई है। और उसके बाद थंडर जैसी 22 क्लैश किट है, जो कि अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट पहनी हुई थी पाकिस्तान टीम, और उसके जो पैसे हैं वो है 4500 रुपए। यार मतलब क्या कर रहे हो यार अमीर भाई, आप वैसे तो इतनी बातें करते हो, हम फैंस के लिए ये कर रहे हैं, फैंस के लिए वो कर रहे हैं, तो टी शर्ट जब तक बंदा पहनेगा नहीं ना, तो कैसे रिकॉग्नाइजेशन होगी कि यार हाँ ये क्रिकेट फैन है। तो यार आप थोड़े नॉर्मल रेट रखो। उसके बाद थंडर जर्सी 22 जो मैं पहना हूँ, ये फैन वर्जन है, सही है, और ये मैंने लिए 850 की, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है 3000 रुपए की, और दराज वगैरह जो है वहां पे ये 2200 रुपए की मिल रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये और दराज में कोई कंपैरिजन है, ये 850 की यही चीज उठा के दराज 2200 की बेच रहा होगा, और इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके पीसीबी 3000 रुपए की बेच रहा है। चलो अगर इसकी क्वालिटी अगर खराब है ना, मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है। ये देखो स्ट्रेचेबल है, वही कॉलर है, पूरी ब्रांडिंग प्रॉपर हुई है, वही ब्रांडिंग है, और ये पूरे जो इसकी जो अच्छी तरीके से बनाई गई है, कलर सारे अच्छे नहीं है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर ये 850 की मुझे मिल रही है ना ये टी शर्ट मुझे मार्केट से, तो इसकी डबल रेंज में मिल जाए ऑफिशियल जगह पे। लेकिन नहीं, इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है कि ये चाहते हैं कि सिर्फ आवाम से ही कमा लें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि पीसीबी तक किसी के पास पहुंच जाए और वो इसकी प्राइसिंग नॉर्मल लग दें। क्योंकि देखो हम क्रिकेट फैंस हैं, ये टीम हमारी है, जब हम ही टी शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो बाकियों की क्या बात करें। मैं पीसीबी को ट्रोल नहीं कर रहा, और मुझे पता है कि ये वीडियो पे इतना कोई इंकलाब नहीं ले आएगी, सिर्फ नॉर्मली कुछ लोग इसको शेयर कर लेंगे, लेकिन शेयर करना जरूरी है, ताकि हम जो फैन है, हमारे लिए ही ये टीम है और हमारे लिए ये टी शर्ट बनती है, तो हम तो अफोर्ड कर सकें। हर कोई डीएचए में नहीं रहता भाई, कुछ लोग जौहर, बुलशहर, नॉर्थ कराची वगैरह में भी रहते, तो थिंक अबाउट इट।